आदाब। अच्छा नादिर साहब, पीएफ सिनेमा पाकिस्तान का सबसे माशाल्लाह नंबर वन सिनेमा है नाउ डेज। इसकी जो सिटिंग है वो बड़े मजे की, क्योंकि मैं जब अपने मियाँ के साथ जाती हूँ तो दूरी का मुझे इतना एहसास नहीं होता, क्योंकि हमेशा ऐसे ऐसे सेपरेट सेपरेट सीट होती है, तो वो उधर होते हैं मैं उधर होती हूँ। मुझे आधी मूवी पे ना टेक लगाने की बड़ी शौक है मुझे, मतलब तो वो ऐसा लगता है घर के लाउंज में सोफे पे आप आराम से बैठे हुए और कंफर्टेबल सोफा, यू नो, लाइक आप उसमें बिल्कुल चिपक के बैठ सकते हैं अपने मियाँ के साथ। इज द बेस्ट डेट आप अपने मियाँ के साथ मार सकते हैं आपके सिनेमा में। मैंने मियाँ लगाया, भाई लोग मियाँ के साथ ही डेट मारनी चाहिए, है कि नहीं? हाउ बोरिंग, मेरी बेइज्जती हो रहा है। अपने मियाँ के लिए पैदा हुई है, मैं वाकई अपने मियाँ के लिए पैदा हुई हूं। वेरी स्वीट, होना भी चाहिए। बड़े मजे से डेट मारते हैं पीएफ में, बड़ा मजा आता है। अच्छा तो ये बताइए कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने इसको बनाया तो स्टार्ट किया? योंड्रा क्या था उसमें? ये था कि अब पुराने स्ट्रक्चर के हिसाब से ना उसको अल्ट्रेशन करने में बड़ी प्रॉब्लम थी जी। अब टेक्नोलॉजी टोटली डिफरेंट हो गई है, साउंड सिस्टम, उसको अब एक सिंगल हॉल चलते हैं जी। और पहले होता था कि एक गैलरी है, एक स्टॉल है, बॉक्स है, उसमें साउंड को एक सेट करना एक मुश्किल काम था कि जिसमें आप एक सराउंड इफेक्ट्स होए उसमें और आपको उसी लेवल पे गैलरी में भी कोई साउंड मिल रहा हो, नीचे भी मिल रहा हो जी, तो वो एक थी। बाकी ऐसा जितना कोई ज़्यादा नहीं, एक शौक, एक डेडिकेशन हो तो हर काम ईजी हो जाता है। अच्छा इन फ्यूचर आप इसको 3D कब कर रहे हैं? असल में ये 3D इसमें मुश्किल होएगा इस स्ट्रक्चर में, उसके लिए एक प्रोजेक्ट एक अलहदा हम तैयार कर रहे हैं जिसमें एक सिंगल हॉल हो जो 3D का वो एक प्रॉपर मूवी, ताकि ये भी एक रवायती जो फिल्में हमारी चलती हैं वो इसमें चलती हैं, वो 3D को हम एक अलहदा ले जाएँ अपना हॉल। अच्छा, अच्छा। उसके साथ उसके एक वर्किंग चल रही है, जल्द इंशाल्लाह ताला हम 3D भी सिनेमा देंगे। अच्छा एक और चीज़, पाकिस्तानी जितने भी स्टार्स हैं अभी उनको काफ़ी एतराज़ है कि आप लोग उनको उनकी फिल्म्स के लिए जगह नहीं देते। लाइक लास्ट टाइम आई रिमेंबर रीमा ने भी काफ़ी एतराज़ किया था कि हमें बहुत कम टाइम दिया गया कि हम अपनी मूवी को जो है वो सिनेमा में लगा सकें, ऑल दैट, तो क्या कहेंगे? पाकिस्तानी फिल्म जो है वो नो डाउट के काफ़ी मजबूत सब्जेक्ट पर भी फिल्में बनती रही हैं। अभी प्रॉब्लम यह है कि फिल्में उस लेवल की बन नहीं रही पूरे साल में। आप मेरा ख्याल इस ईद पे भी शायद एक आध कोई मूवी होए जी, और गुज़िश्ता 3-4 माह में मुझे नहीं याद कि कोई फिल्म रिलीज़ हुई होए जी। तो सिनेमा का सर्वाइवल तो है नहीं एक आध मूवी पे। अगर अच्छी फिल्म आए, जिस तरह पाकिस्तान की एक फिल्म आई थी खुदा के लिए आई थी, वो एक सिनेमा दे गई थी जी, बिल्कुल। और PF सिनेमा भी अगर इस लेवल पे जो गया है वो बोल फिल्म की वजह से गया है, नो डाउट, कि वो जो मूवी लगी है लोगों ने देखा आके तो उसमें इंट्रोड्यूस हो गया है PF सिनेमा भी। लेकिन अभी कोई अच्छा काम करने वाले हैं नहीं, इक्का दुक्का लोग, इक्का दुक्का वसाइल नहीं है। हकीकत ये है कि इक्विपमेंट नहीं है इनके पास, स्टूडियोज नहीं, स्टूडियोज जो हैं वो गोदाम बन गए हुए हैं। अब जाके देखे बड़ा दुख होता है, बिल्कुल यहाँ से जो निकले हैं जो बने हैं स्टूडियो से वो उसी को दुकानदारी उन्होंने बनाई हुई है कि वो उसको गोदाम बना लिए हुए हैं, वहाँ पे स्टॉक हो रहा है, दफ्तर बने हुए हैं, खत्म हो गया है, वो नहीं है, सबके चेहरे वहाँ पे लटके हुए होते हैं, आप जाएं तो दरवाजा खोले तो। हालांकि यकीन करें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टैक्स फ्री किया हुआ है इसको, बिल्कुल, लेकिन ये है कि फिर भी ये जो एक चंद लोग हैं जो अभी जिन्होंने अपना ये कह लें कि यरगमाल बनाया हुआ है या अगवा किया हुआ है इस इंडस्ट्री को, वरना अच्छा काम करने वाले बहुत हैं यहाँ पे। ये देखें महदूद वसाइल में रह के बोल फिल्म बनी है ना, उसमें कोई आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, लेकिन क्या मजबूत फिल्म थी। Actually, the story was very strong, even the director, of course. कि वो 3 घंटे या 3.25 घंटे एक ऑडियंस को बिठाना, agree. कि वो ना कैंटीन में जा रहे हैं ना कोई ऐसा जा रहे हैं, बस दौड़े लगी हुई है कि भाई इंटरवल के बाद मूवी शुरू होने वाली है। इस तरह की मूवीज आएंगी जरूर सिनेमा मिलेंगे। मैंने वही बताया ना कि अब किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, agree. कि आगे अब वो कल्चर भी नहीं, वो चीज़ें, ये इंडियन मूवीज जो हैं ये ऑक्सीजन का एक है सिनेमाज को बचाने के लिए कि ये चल रही है। अगर ये मूवीज ना आए तो आपका फारिग है सिनेमाज वगैरह। अच्छा मैं तो कहती हूँ ये चीजें रहनी चाहिए, इंडिया, पाकिस्तान, हॉलीवुड, बॉलीवुड, हमें सबको लेके चलना चाहिए, होना हमारा हक है। हमें ये नहीं देखना चाहिए ये चीज इंडिया से आई है, ये चीज मतलब बॉलीवुड की है, ये हॉलीवुड की। हम जब स्टाइल सबका कॉपी कर सकते हैं तो हम क्यों ना फिर इनके ट्रेंड को भी लेके आगे चलें, इनकी मूवीज भी देखें, और हम कुछ देखेंगे तो सीखेंगे ना। बिल्कुल, आइडियाज इन यूनिवर्सल, आई नो, हाउ विल यू ग्रो, बैठ के आइडियाज कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं। नहीं, हम क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ, तो फिल्म क्यों नहीं, फिल्म क्यों नहीं देखना चाहते, क्या बात है, कॉल साथ में लेना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रही है?
राबिया बात कर रही हूँ लाहौर से। राबिया आज मैंने नई चीज स्टार्ट की है, मैंने कहा आपसे शुरुआत करूँ, अब हर कॉलर मुझे कॉल करके आदाब कहा करेगी। आदाब कहिए। आदाब। आदाब मेरी जान, क्या बात है, पहली कॉल थी, पहली कॉल पे देखे आदाब जो है बड़ा प्यारा लगा है। जी क्या कहेंगी, इतने सारे मेहमान बैठे हैं, कोई इंडिया से आया है, कोई पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े शोबों से ताल्लुक रखता है, क्या कहेंगी? बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके गेस्ट और आप भी आज बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। आज आपसे मिलके बहुत खुशी हो रही है। मिलके खुशी हो रही है ना, सच्ची में मुझे कितनी खुशी हो रही है, सोचो मैं इतने दिन के बाद, इतने टाइम के बाद वापस अपने हुलिया में आई हूँ। मैं तो वाकई की वो एक कोई कैरेक्टर बन के रह गई थी जो कि बस घर के मामला सॉल्व करा रही है, घरेलू हालात ठीक कर रही है, मगर इतना आपने पसंद किया है ना उसको, लव यू फॉर दैट सीरियसली। बहुत अच्छा था आपका ससुराल गेंदा फूल, है ना। दिल्ली तो वैसे खत्म करूँ मगर मुझे आपसे मिलना था, और आपको पता है रमजान की आमद है तो रमजान के लिए भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, बातें करनी है, बहुत सी चीज़ों की प्रिपरेशन आपको पता शुरू हो जाती है, इसलिए आपके साथ ये ताल्लुक ज़रूरी था। मैंने किस गेस्ट से बात करना चाहेंगी आज, आपको पता है सिनेमा का टिकट भी दे रही हूँ मैं, पीएफ सिनेमा का, किस गेस्ट से क्या सवाल करना चाहेंगी? वो जो इंडिया से आएंगे ना, हाँ जी 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 जी, शीबा जी जी, बहुत बहुत खूबसूरत है, इनका काम भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कोई फरमाइश कह दे, कोई फरमाइश कर दे। है फरमाइश क्या, इनकी तो जो भी फिल्में आती है ना बहुत अच्छी होती है, वो खुद ही पूरी हो जाती है फरमाइश। आई लव मी क्यूट, इससे कॉल बहुत अच्छी थी। हम बिल्कुल प्रोग्राम के एंड में बताएंगे कि कॉकटेल मूवी जो है उसका टिकट सुने में, नहीं नहीं आपने अदाब किया है ना मुझे जी, है ना, आप को कॉकटेल मूवी मुबारक हो, जाके देखें, बहुत अच्छी मूवी है, बाय। ठीक हो गया, मजा आ गया? मजा आ गया, लवली, जरूर जाके देखेगा और इतना एंजॉय करेंगी, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ काफी टाइम के बाद मैंने कोई इतनी अच्छी मूवी देखी है। थैंक यू फॉर योर कॉल, क्या बात थी। अच्छा फैशन हाउस के बारे में जरा पूछना चाहूंगी और फिर वापसी में जब हम वापस आएंगे तो उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे। कुछ बात हमें जरा बताइए कि फैशन हाउस आप लोग खोलने जा रहे हैं, ये क्या है एग्जैक्टली और कितने लोग आप लोग शामिल हैं? एवर्ड के शीबा जी भी, बीना जी भी, हनी भी, आप भी, आपकी अम्मी भी, सारे लोग काफी कुछ मिलके कर रहे हैं। तो बेसिकली बीजीज तो अम्मी का एक, आपको पता ही है उनका ब्रांड है, तो वो उसको रीलॉन्च करें फैशन हाउस के जरिए। वो दो तीन साल से कुछ कम काम कर रही थी, अच्छा, बट अब फैशन हाउस खोल रहे हैं और उसके ऊपर लाइक देयर इज अनदर थिंग व्हिच वी आर ओपनिंग, इट्स अ मेकअप स्टूडियो एंड सैलून व्हिच जिसमें हनी है, बीना जी हैं, मैं हूँ और शीबा जी के साथ हम ये करें कि इनका एक फैशन हाउस बॉम्बे में है। हाँ, तो इनके साथ मैंने फिर पूछना है नाम के गिवाशी, गिवाशी के नाम से इनका, हाँ, तो वो house. हम इनके साथ कुछ इंडियन क्लोथ्स की ट्रेड करेंगे, बिकॉज आपको पता है ट्रेड वैसे ही खुल गई इंडिया के साथ जी. तो कुछ इनके साथ काम मिलके करेंगे। वी हैव अ पीस इवेंट कमिंग अप, फैशन शो बेस्ड ऑन पीस इंडो पार्क का, सो इट वी माइट बी प्लानिंग इट इन लाइक 2-3 months। That's great. तो एक काम करते हैं, जरा गिवाशी के जो अपने एक वार्डरोब का लुक है वो मैं सबको दिखाना चाहूंगी, सिर्फ आप जरा एक बार खड़े होकर अपना एक वार्डरोब दिखा दें। जरूर। ये तस्वीर बनी हुई है, ये हमारे राधा कृष्णा की है। कृष्णा क्या बात है, और इतनी खूबसूरत पिक्चर्स बनी हुई है। थैंक यू सो मच। ये हैंड पेंट हुआ हुआ है या फिर? नो, इट्स अ प्रिंट। ओके। जिसपे एम्ब्रॉयडरी की हुई है। लवली। अच्छा ये कितना खूबसूरत पीस है जो यहाँ पे लगाया है, जो ज्वेलरी में स्पेशली लगाया है। इट्स अ प्रॉपर इयररिंग। हां, वाओ, अच्छा इयररिंग टाइप। हां, इट्स इट इट इज इयररिंग। हां, ओके। अच्छा किसको? प्रॉपर इयररिंग जिसको लगाया गया है। इसको अगर क्लोज करें आप देखें उनके कान पे जो है, ये राधा जी है। हाँ जी, या द लेडी इज द राधा। अच्छा तो ये राधा है, ये जी 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 जी, या या या, ऑलराइट। तो उनको इयररिंग जो है कृष्णा जी को पहनाई गई है जी, इतनी खूबसूरत, और पर्ल का नेकलेस बना के इनको पहनाया गया है और चूड़ियां यू कैन सी इतना खूबसूरत बनाया, यहाँ पे भी नेकलेस पूरा और हाथ पे भी उनके कंगन, अच्छा ये भी हाथ है, यू कैन सी, यू वांट मी टू शो यू लाइक ब्यूटीफुल, मतलब मैं आपको एलैबोरेट नहीं कर पा रही हूँ, ये बहुत प्यारा पीस आपने पहना है। आई गेट इट फॉर यू नेक्स्ट। ओह लवली, थैंक यू। तो ये है इनके खुद के ब्रांड का, अभी वक्त हुआ जाता है एक वक्फे का, और वक्फे के लिए मैं और शिवा जी आपको मिलके कहेंगे आदाब। सुबह की फिजा, फिजा।